दोस्तों फाइनली हम शिमला पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यह है कालका शिमला टॉय ट्रेन, जिसके माध्यम से हम पहुंचे हैं शिमला। यह ट्रेन 11:50 पर चलनी शुरू होती है और लगभग 6 बजे के आसपास ये हमें शिमला छोड़ देती है। बाकी आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल यह ट्रेन है। ये देखिए दोस्तों, ये बड़ी बेहतरीन ट्रेन है और ये जर्नी भी काफ़ी बेहतरीन रहती है। अगर एक बार आपने इस जर्नी को कर लिया तो आप कभी भी जर्नी को भूलने वाले नहीं हैं। इतना शानदार यहाँ पर नज़ारे देखने के लिए मिलते हैं। बाकी आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी ट्रेन। साथ ही दोस्तों अब हमें जाना है माल रोड उधर की तरफ। वो जो आप देख रहे हैं ना उधर की तरफ दोस्तों माल रोड है, और वो जो आपको दिख रहा है ना होटल ऊपर की तरफ सबसे ऊपर, वो है दोस्तों ग्रैंड होटल, जिसको शिमला हॉलीडे होम के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह दोस्तों आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन नज़ारा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है शिमला का। और ये देखिए दोस्तों, पूरा का पूरा अल्टीमेट व्यू यहाँ से हमें देखने के लिए मिलता है। और ऊपर आप देख सकते हैं झाकू टेम्पल का बेहतरीन नज़ारा भी यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है। ओवरऑल दोस्तों ये काफ़ी अमेजिंग जर्नी रहती है। अगर आप शिमला आ रहे हैं तो टॉय ट्रेन से ही हम रिकमेंड करेंगे कि आप शिमला पहुँचें, क्योंकि टॉय ट्रेन की जो जर्नी है वो इतनी शानदार रहती है और इतने बेहतरीन यहाँ से आपको नज़ारे देखने के लिए मिलते हैं, जो शायद आपको शिमला पहुँचने के बाद भी देखने को नहीं मिलेंगे। यही इस रूट की खासियत है, जो इस रूट को काफ़ी स्पेशल बना देती है। बाकी आप देखिए टॉय ट्रेन शिमला कितना बेहतरीन दिख रही है। ये दूसरा इंजन खड़ा है, वो दोस्तों रिपेयरिंग सेंटर है। और ये पूरा का पूरा स्टेशन आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन दिख रहा है। ओवरऑल दोस्तों काफ़ी बेहतरीन जर्नी रही हमारी ये। चलिए अब हम ग्रैंड होटल चलते हैं और आपको दिखाते हैं शिमला रेलवे स्टेशन से ग्रैंड होटल तक का पूरा नज़ारा। शिमला पहुँचने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ी ठंड भी है। अगर आप शिमला कभी भी आते हैं तो जैकेट जुकेट जरूर लेके आना, बिना जैकेट के काम नहीं चलेगा। ठंडी ऐसी है कि आप सोचेंगे कि टी शर्ट पहन लूँगा, दो टी शर्ट एक शर्ट पहन लूँगा, काम नहीं चलेगा, जैकेट पहननी पड़ेगी। दोस्तों ये पूरा का पूरा शिमला रेलवे स्टेशन है, सामने टॉय ट्रेन खड़ी हुई है। ये देखिए इस तरह की छोटी छोटी पटरियाँ होती हैं, और ये है शिमला रेलवे स्टेशन का वेटिंग एरिया। ये देखिए दोस्तों कितना बेहतरीन वेटिंग एरिया बनाया गया है। टीवी वगैरह लगे हुए हैं, शीशे लगे हुए हैं, और काफ़ी अच्छी सीट यहाँ पर बनाई गई हैं। और ये देखिए इतना बड़ा टीवी है, तो काफ़ी बेहतरीन वेटिंग एरिया बनाया गया है। शिमला लिखा हुआ आप देख सकते हैं, और सामने टॉय ट्रेन भी आप देख सकते हैं। बाकी ये रास्ता है जिससे अब हम बाहर की ओर बढ़ेंगे। और टाइम हो चुका 18:55, और ये देखिए एग्ज़िट आप सीसीटीवी कैमरे की नज़र में है। और ये टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर है, और यहाँ आपको जितने भी ट्रेन हैं सबकी डिटेल्स मिल जाएगी। तो चलिए अब हम बाहर की ओर चलते हैं और पहुँचते हैं माल रोड। ये इस तरीके का पूरा रास्ता है। फ़िलहाल ये बाहर आप देख सकते हैं, ये पूरा टैक्सी स्टैंड, और ये शिमला का टिकट काउंटर है जहाँ से आप आरक्षण वाले टिकट अनरिजर्व टिकट खरीद सकते हैं। और ये देखिए ये पूरा टैक्सी स्टैंड है, ये शिमला का टैक्सी स्टैंड। यहाँ पे पता क्या है भैया, सीधी बातें बता रहा, यहाँ क्या है अगर आप ये सोचते हैं ये फुट ओवर ब्रिज है रेलवे ट्रैक को पार करने के लिए। बाकी आप देख सकते हैं शिमला की वादियाँ। बाहर की ओर चलते हैं। ये रास्ता भी सीधा माल रोड के लिए सीधा बाहर की ओर जाता है मेन रोड पे, और इधर से जाएंगे ये भी बाहर की तरफ जाता है। चलिए इसी रास्ते को फॉलो करते हुए हम बाहर निकलते हैं। और जैसे जैसे आप बाहर की ओर जाते हैं आप देख सकते हैं शिमला की हसीन वादियों को, जो कि बेहतरीन दिख रही हैं। और रात के समय जो घरों में लाइट जल जाती हैं, वो लाइटें भी इस क्षेत्र की सुंदरता में चार चांद लगा देती हैं। चलिए मेन रोड पे तो हम पहुँच गए। दोस्तों शिमला रेलवे स्टेशन से हम बाहर निकल चुके हैं। पीछे शिमला रेलवे स्टेशन है, और
ग्रैंड होटल के लिए दो रास्ते जाते हैं, एक दोस्तों इधर से जाता है जो कि दोस्तों हिमाचल प्रदेश विधानसभा से होता हुआ जाता है, यहाँ से आपको हिमाचल प्रदेश विधानसभा जाना है, उसके बाद सीधा पैदल पैदल इसी चौक जाना है, नज़दीक रास्ता है। इस रास्ते को हमने पिछली बार यूज़ किया था, अब हम नए रास्ते से जाएंगे। इधर की तरफ दोस्तों एक दूसरा रास्ता है ग्रैंड होटल से जाने का, तो अब हम उसी रास्ते को फॉलो करेंगे और देखेंगे कि वो किस तरीके का रास्ता है वो दोस्तों। चलिए चलते हैं इस रास्ते की ओर और दिखाते हैं आपको पूरा रास्ता। दोस्तों शिमला होलीडे होम पहुँचने के लिए आपको हनुमान जी की जो 108 फीट की प्रतिमा सबसे ऊपर पहाड़ पे दिखती है उसकी तरफ मेन रोड पे आगे बढ़ जाना है, और केवल 200 मीटर की दूरी चलने के बाद आपको ऊपर की तरफ एक रोड कटती दिखेगी, आपको उसी रास्ते को पकड़ना है, वही रास्ता है जो आपको शिमला होलीडे होम लेके जाएगा। दोस्तों अब हम ऊपर की तरफ रास्ते के ऊपर जा रहे हैं जो कि हमें सीधा एजी चौक लेके जाएगा। आप किसी से पूछेंगे एजी चौक के लिए कौन सा रास्ता जाता है तो कोई भी आपको बता देगा, तो आपको इस रास्ते पर आगे बढ़ जाना है। और अब हम पहुंच गए हैं एजी चौक जो कि शिमला का फेमस चौक है। दोस्तों केवल 5 मिनट चलने के बाद हम एजी चौक पहुंच गए हैं, आप देख सकते हैं यह है एजी चौक। एजी चौक यानी कि ऑडिटर जनरल हिमाचल प्रदेश का ये ऑफिस है, सामने आपको जो दिख रहा है कार्यालय है, और इस रोड से ये जो आपको नीचे की तरफ दिख रही है इस रोड से हम पैदल पैदल यहाँ पहुँचे हैं। पहले हम इस रोड से आए थे लेकिन ये थोड़ी लंबी पड़ती है, ये काफ़ी शॉर्ट है, तो आप एजी चौक तक इसी रोड से पहुँचें जिससे हम इस बार आए हैं। बाकी आप देखिए ये पूरा है एजी चौक और यहीं से माल रोड का प्रारंभ भी होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पहुँचते हैं ग्रैंड होटल शिमला और देखते हैं इस समय किस तरह का माहौल है वहाँ पर। दोस्तों अब हम एजी चौक से एसबीआई चौक तक पैदल जा रहे हैं, इन दोनों चौक के बीच की दूरी 200 मीटर है, और एजी चौक से एसबीआई चौक पर पहुँचने के बाद आपको भी वहाँ दो रास्ते दिखेंगे, एक रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा होगा, एक रास्ता सीधा जा रहा होगा। जो लेफ्ट की तरफ रास्ता है जो ऊपर की तरफ जाता है आपको उसी रास्ते को पकड़ना है। दोस्तों एजी चौक से केवल 200 मीटर चलने के बाद होटल डेलजीएल और एसबीआई चौक आ जाता है। यहाँ से ग्रैंड रोड जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक इधर माल रोड के लिए जाता है जो सीटीओ चौक तक जाता है, वहाँ से थोड़ी सी चढ़ाई ज़्यादा होती है, और एक ये रास्ता है जो साइड में आपको दिख रहा है, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा चढ़ाई है लेकिन यहाँ से आप सीधा ग्रैंड होटल पहुँच जाते हैं। तो चलिए अब हम इस रास्ते को फॉलो करेंगे। ये रास्ता सीधा कालीवाड़ी मंदिर शिमला के लिए भी जाता है, आप किसी से पूछेंगे कि कालीवाड़ी मंदिर के लिए कौन सा रास्ता जाता है तो कोई भी आपको बता देगा कि आपको इस रास्ते को फॉलो करना है तो आपको इसी रास्ते को पकड़ना है ग्रैंड होटल शिमला यानी कि शिमला होलीडे होम जाने के लिए। दोस्तों एसबीआई चौक से इस रास्ते पे केवल 100 मीटर चलने के बाद आपको इस तरह शॉप दिखाई देंगी, यहाँ पे एक छोटा ढाबा भी है, वहाँ पर आप खाना भी खा सकते हैं, और फिर इधर की तरफ ऊपर की तरफ जो रास्ता जा रहा है इधर आपको चढ़ना है, देखिए थोड़ी सी चढ़ाई है, उसके बाद वो जो आपको बिल्डिंग दिख रही है वही है ग्रैंड होटल। चलिए अब हम बढ़ चलते हैं शिमला होलीडे होम यानी कि ग्रैंड होटल के लिए, और अब ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा हैवी चढ़ाई है इसलिए आपकी टांगों पर बहुत ज़्यादा जोर पड़ने वाला है, और हम इस रास्ते पर काफ़ी रुककर ऊपर की ओर चढ़े थे। दोस्तों एसबीआई चौक से अब हम ऊपर आ गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कालीवाड़ी मंदिर हमें दिखना शुरू हो गया है, ये पूरा जो एरिया है कालीवाड़ी मंदिर का है। जब आप नीचे से ऊपर आएंगे तो यहाँ से दो रास्ते जाते हैं, एक रास्ता सीधा चला जाता है, एक रास्ता थोड़ा सा राइट टर्न लेने के बाद इस तरह कालीवाड़ी मंदिर की तरफ जाता है। तो ग्रैंड होटल जाने के लिए आपको इस रास्ते को पकड़ना है जो कालीवाड़ी मंदिर के बिल्कुल सामने से जाता है। चलिए अब पहुँचते हैं ग्रैंड होटल। यह रहा शिमला कालीवाड़ी स्थापित 1823। दोस्तों मेन एंट्री है कालीवाड़ी मंदिर की, इसको अब हम सुबह कवर करेंगे। बाकी आप देखिए कालीवाड़ी मंदिर, चलिए अब चेक इन कर लेते हैं ग्रैंड होटल में। देखिए ऊपर पहुंचने के बाद
शिमला का इस तरीके का नज़ारा देखने के लिए मिलता है। सामने आप चर्च देख सकते हैं और नीचे से हम आए हैं बिल्कुल। चलिए यहाँ पे छोटा सा मार्केट लगता है जो कि इस टाइम तक आप देख सकते हैं कुछ बंद हो चुका है, कुछ बंद हो रहा है। ये पूरा ऑनलाइन से मार्केट देख सकते हैं जो यहाँ पर लगता है। पहले यहाँ पे जो टेम्परेरी रास्ता था वो फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। यहाँ से टेम्परेरी रास्ता हुआ करता था। ये देखिए ये यहाँ से बॉडी वोडी बैठा लिया गया, तो जब इसके फ्रंट पर काम चल रहा था तो यहाँ पर रास्ता था। अब मेन एंट्रेंस तैयार हो चुका है। अब ये देखिए ये बन गया अब ग्रैंड होटल का मेन एंट्रेंस। केंद्रीय कर्मचारी अवकाश अब आवाज़ गृह, ये देखिए। और ये म्यूज़ियम। दोस्तों फाइनली हम शिमला हॉलीडे होम यानी कि ग्रैंड होटल पहुंच गए हैं और आप देख सकते हैं इसका जो मेन एंट्रेंस पे काम चल रहा था वो पूरा हो चुका है और अब काफ़ी इम्प्रेसिव एंट्री ग्रैंड होटल शिमला की बन गई है जो कि डिज़र्व भी करती थी। इतना शानदार होटल का भी जो पहले टेम्परेरी एंट्रेंस था कहीं ना कहीं वो इतना इम्प्रेसिव नहीं था, लेकिन अब सच में काफ़ी इम्प्रेसिव इसका मेन एंट्रेंस हो गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं ग्रैंड होटल के अंदर। ये देखिए कितना शानदार इसका एंट्रेंस बन गया। इस तरह दोस्तों यहाँ पे ग्रैंड होटल शिमला का एंट्रेंस है। अंदर चलते हैं। बारिश आ चुकी है। और ये है भैया रिसेप्शन। फाइनली पहुंच गए।